नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज जो मैं ब्लॉग बना रहा हूं, ये बहुत गंभीर विषय पे है। गंभीर विषय ये इसलिए है क्योंकि ये ब्लॉग जुड़ा हुआ है समाज से, आपसे, हमसे। दोस्तों, आप भी आरएफसी से राशन जरूर लेके आते होंगे। आरएफसी का मतलब होता है रीजनल फूड कंट्रोलर, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है कंट्रोल की दुकान। तो दोस्तों, उसी से संबंधित वीडियो बना रहा हूं मैं, क्योंकि हम भी वहां से सामान लेके आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि आजकल जो कंट्रोल से जो राशन आ रहा है, चावल, तो दोस्तों जो चावल आ रहा है, मैं उसके बाद आपको स्थिति दिखाता हूं, उस चावल की हालत क्या है जो सरकार द्वारा आम जनता को बांटा जा रहा है। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, अभी चावल देख पा रहे होंगे, इसमें मैं आपको कुछ दिखाता हूं। ये देखिए, ये है वो चावल। इस चावल में पूरा गुच्छा लगा हुआ है, जिसके साथ ही पूरा चावल जुड़ा हुआ है, ये देखिए। और दोस्तों, ये मात्र एक नहीं है, ऐसे ही कई चावल के गुच्छे आपको इस समय आपको यहां दिखाई देंगे। मिल गया। ये देखिए दोस्तों, अभी आप ये देख पा रहे होंगे। और दोस्तों, समस्या यही नहीं है, इसके साथ आपको यहां घुन भी दिखाई देंगे, जो कि किसी भी इंसान को बीमार करने के लिए काफी है। तो ये देखिए दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, ये है हालत सरकारी राशन की। जब आप इस राशन को घर लेके आएंगे तो इसकी स्थिति आप देख सकते हैं। दोस्तों, भले ही सरकार द्वारा कई घोषणाएं कही जाए, कई वादे किए जाए कि जनता को राशन और अन्य सुविधाएं मिलेंगी बिना किसी परेशानी के, तो दोस्तों घोषणाएं सिर्फ साबित होती हैं, वो घोषणाएं हवाएं साबित होती हैं। दोस्तों, ये तो एक है चावल की। अब चलिए मैं आपको एक और दिखाता हूं दोस्तों, वो है ये दाल। दोस्तों, ये है वो चने की दाल, जो कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता जो विभाग होता है, उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना चलाई गई है, जिसमें कि आप देख पाएंगे, एक सेकंड में आपको दिखाता हूं। दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे होंगे, इसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भी फोटो लगी हुई है। और इस साइड से आप देख पाएंगे कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उनकी ये फोटो लगी हुई है। तो दोस्तों, जनता को अब जब जनता राशन लेती तो है, तो दोस्तों जनता को इन फोटो से कुछ लेना देना नहीं होता है। जनता का उद्देश्य होता है सिर्फ दाल खाना। अब चलिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ी दाल की दिखाता हूँ हालत। हालांकि मैंने पैकेट दोस्तों फाड़ा नहीं है, लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं कि इसके अंदर आप देखिए हालत, आप शायद सभी सभी सा देख पा रहे हो। चलिए थोड़ा मैं रोशनी में इसको ले जाता हूं। तो दोस्तों, शायद आप देख पा रहे होंगे इस पर दाल की हालत। दोस्तों, इस दाल के अंदर लगे हुए कीड़े, और उन कीड़ों ने थोड़ा थोड़ा इसको खाते हुए इसके अंदर आप देख पा रहे होंगे पूरा सफेद हो चुका है, और इस चने की दाल का उन कीड़ों ने बना दिया है बेसन, ये आप देख पा रहे होंगे। यदि मैं इस पैकेट को अभी फाड़ के दिखाता, लेकिन मैं इसको फाड़ना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि इसका यूज अभी जहां तक नहीं ही होगा, इस हालत में तो नहीं खाएगा व्यक्ति इस दाल को। आप देखते हो, ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे ये दाल की हालत आप। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मेरा ये था, मैंने अपने बच्चे को भी अपने साथ बैठाया हुआ है, हालांकि ये छोटा है, लेकिन इसको ये समझाना है कि जिस सरकार को हम वोट दे रहे हैं, जो सरकार हमारी, हम सोचते हैं कि हमारे लिए अच्छा करेगी, भला करेगी, वो हमारा, देखिए दोस्तों, जनता का वो ऐसा भला कर रही है। हमारे राज्य के चाहे मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, कोई हो, उन क्या वो भी इसी प्रकार का राशन खाते हैं? दोस्तों, जो हमारे राज्य के अधिकारी हैं या हमारे देश के दोस्तों, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो, क्या वो इस राशन को खाएंगे? तो शायद दोस्तों उनका उत्तर भी होगा नहीं। आखिर जब जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि इस राशन को नहीं खा रहे हैं,
तो आम जनता ऐसे राशनों को क्यों खाए। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए फिलहाल मैं भी फिलहाल अपने शब्दों को दोस्तों मैं दे रहा हूँ विराम, और थोड़ा ब्लॉग को दोस्तों बढ़ाते हैं आगे। धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे लिए आया हुआ एक स्पेशल गिफ्ट, और दोस्तों कोई मामूली गिफ्ट नहीं है, ये गिफ्ट आया हुआ सात समुंदर पार से, केनिया से। तो दोस्तों गिफ्ट खोलने से पहले आप मिलिए मेरे कोस्टारों से। कोस्टार हेलो बोलो। हेलो हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हो? अच्छे हो? अच्छे हो? हाँ यार। ओके, तो दोस्तों आप मिल चुके हैं मेरे कोस्टार से, तो चलिए दोस्तों अब हम खोलते हैं वो गिफ्ट, जो स्टार्ट किया जाए कोस्टार। चलो उठाओ, कवर उठाइए। तो देखिए दोस्तों ये तो खोलते हैं पहले। तो देखिए दोस्तों ये है वो बर्तन, ये है तांबे का बर्तन। तो देखिए दोस्तों इसके साथ में गिला, ये इसका ढक्कन, और इसको आप गिलास के रूप में भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए आप, बहुत बढ़िया इसमें दोस्तों डिजाइनिंग करी गई है, अद्भुत दोस्तों अद्भुत। दोस्तों आज मेरे नन्हे फैंस का दोस्तों आज हैप्पी बर्थडे टू यू है, और उसका दोस्तों आज पहला हैप्पी बर्थडे है। और देखो मेरे केक लेके आया हुआ है, ये देखिए दोस्तों, ये पता है गुस्सा है, देखिए इसका मुंह देख सकते हैं, थोड़ा गुस्सा है दोस्तों। गुस्सा इसलिए है कि मैं इसके बर्थडे में किसी कारण से जा नहीं पाया और गिफ्ट नहीं ले जा पाया, तो मुझसे गुस्सा है अभी। अरे देखे थे मुंह पलटा लिया दोस्तों। दोस्तों थोड़ा मैं अपने अपने नन्हे फैंस को थोड़ा मैं मनाता हूँ, और दोस्तों केक भी खाता हूँ अद्भुत। दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में। दोस्तों रोने लग गया, गुस्सा हो गया है, तो मत खाना भी केक तो मेरा है। ओ माय गॉड दोस्तों, तो मेरे हिस्सा केक भी खा रहा है गुस्से में। तो दोस्तों अब मेरे नन्हे फैन को आ रही है नींद, तो दोस्तों मैं इसको लोरी गा के सुनाना चाहता हूँ। तो दोस्तों मैं इसको सुनाता हूँ लोरी, आप भी बने रहे मेरे साथ। हो नींदिया आ जा रे अखियन में, ओ नींदिया आ जा रे अखियन में। दोस्तों इतने घूर रहे क्यों देख रहा मुझे, ओ माय गॉड। चलिए दोस्तों हम इसको सुलाते हैं, आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। दोस्तों उरी तो सुन लग गया, दोस्तों मेरी लोरी काम कर रही है। अखियां आ जा रे निंदियन में, अखियां आ जा रे निंदियन, निंदिया आ जा रे अखी। अरे मैं तो अच्छा गाता हूँ क्या गाना, सो सो सो। निंदिया आ जा रे अखियन में। दोस्तों मेरा फैन सो रहा है, मैं भी थोड़ी देर में मिलता हूँ अपने फैन को सुला के, तब तक बाय। तो दोस्तों मैंने लोरी गाई और पता मेरा नन्ना फैन सो गया, अब पता आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, चलिए आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों मेरा नन्ना फैन सो गया है मेरे लोरी से, ये देखिए। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं मैं कितनी अद्भुत लोरी गाता हूँ। तो दोस्तों यदि आपके बच्चे नहीं सो रहे हैं, उनको नींद नहीं आती है, तो मुझे बुलाइए, मैं अपनी लोरी से उनको सुनाने की कोशिश करूंगा, अद्भुत लोरी गाऊंगा दोस्तों अद्भुत लोरी, हुड़हुड़ दबंग दबंग। तो दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ थोड़ी देर में, बने रहना मेरे साथ। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। दोस्तों अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक रखे अपना ख्याल, बाय, नमस्कार।